नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोमित्रम में आपका सभी का स्वागत है। मैं पंडित श्री आशर्मा गौतम गुरु जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं KP कृष्णमूर्ति पद्धति विद्या का विद्यार्थी हूं, ज्योतिष में कृष्णमूर्ति पद्धति पर कार्य करता हूं। और कृष्णमूर्ति पद्धति में जो नियम हैं उन नियमों के बारे में मैंने पिछले दो वीडियो में चर्चा की। अब आगे उस चर्चा को मैं बढ़ाता हूं। आप सभी का स्वागत है। मैं तो घटना कैसे देखें इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। घटना का प्रमेय चेक कैसे करें, भाग्य में घटना है अथवा नहीं है, यह प्रोमेज हम कैसे चेक करें और किन किन कारणों से घटना में देर होती है, घटना नहीं होती है, क्या क्या कारण बनते हैं जिनके कारण घटना के बारे में हम पूरी जानकारी नहीं कर पाते। मित्रों, हम किसी घटना को दो पार्ट में, दो भाग में बांटते हैं। पहला पार्ट है कि घटना भाग्य में है या नहीं है, अथवा घटना का प्रोमेज हमारे भाग्य में है या नहीं है, घटना होगी अथवा नहीं होगी, इसका क्लियरिफिकेशन किया जाना। अगर भाग्य में है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, भाग्य में नहीं है तो प्रोसेस आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको वहीं स्टॉप कर दिया जाएगा। तो प्रोमेज चेक करने के लिए हमें तीन चीज़ों की बेहद सख्त आवश्यकता पड़ती है। जिसमें जो घटना होती है उस घटना के नियम में एक बात प्रमुख है कि कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि जिस भाव संबंधित घटना हमें देखनी हो उस भाव का सब लॉर्ड, उस भाव का उपनक्षत्रपति उस घटना के बारे में पूरा विवरण देता है, घटना होगी अथवा नहीं होती, नहीं होगी। वो किस प्रकार देखते हैं, इस थ्योरी को मैं आज आपके सामने लाता हूँ कि अगर विवाह की घटना देखना है तो हमें सेवेंथ हाउस, सातवां भाव विवाह का प्रमुख भाव होता है, उस भाव के सब लॉर्ड को हमें देखना होगा कि वह 2711 से कनेक्शन में आए। अगर संतान की घटना है तो पंचम भाव का सब लॉर्ड 2511 के कनेक्शन में आए। अगर नौकरी की घटना है तो 2611 यानी छठवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2611 के कनेक्शन में आए या सूचक बने, तब वो घटना होगी। विदेश यात्रा का योग देखना हो तो 12वें भाव का सब लॉर्ड अगर हमारा 3912 को सूचित करता है तो विदेश यात्रा होगी। अगर इन्हीं भावों के 12वें भाव अगर हमारे कनेक्शन में आते हैं तो घटना होने में देर हो सकती है, विलम्ब हो सकता है, घटना नहीं हो सकती है। केवल सब लॉर्ड स्वामी को हम लेकर के घटना का प्रोमेज पूरा चेक नहीं कर सकते। अब जो सब लॉर्ड है, जो भी ग्रह बनता है, किसी भी भाव का सब लॉर्ड जो ग्रह बनेगा उसका नक्षत्रपति को भी हमें चेक करना होगा कि उसका नक्षत्रपति यानी उसके नक्षत्र का स्वामी हमें कौन कौन से भाव सूचित करता है। मित्रों, घटना ग्रह और नक्षत्र स्वामी के माध्यम से क्रिएट होती है। घटना का निर्माण ग्रह और नक्षत्र स्वामी के द्वारा किया जाता है, मगर उस ग्रह का सब लॉर्ड उस घटना के बारे में हाँ और ना का प्रत्युत्तर हमें प्राप्त करता है, कराता है। पहली बात यह है कि घटना के सब लॉर्ड को देखें, वो सब लॉर्ड किन किन भावों को सूचित करता है। दूसरी बात, उसी सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी उन उन भावों को सूचित करना चाहिए जिस भाव से हम घटना का आकलन कर रहे हैं, और उसी भाव, उसी ग्रह का सब लॉर्ड भी उन भावों से संबंधित भाव समूह का कार्य होना चाहिए। मित्रों, बात ऐसी है कि जैसे कि एक पिता होता है, एक माता होती है, एक पुत्र होता है या पुत्री होती है। अगर माता चाहे कि मैं अपने पुत्र या पुत्री की शादी कर लूं, तो जब तक पुत्र या पुत्री हाँ नहीं करेगा तब तक शादी नहीं होगी। अगर पिता चाहता है कि मैं पुत्र और पुत्री की शादी कर लूं, तो अगर पिता के चाहने चाहता है कि मैं शादी कर लूं, मगर पुत्र या पुत्री अभी नहीं चाहता कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा, तो घटना नहीं होगी।
यानी कहने का अर्थ है कि जो सब लॉर्ड है वो हमारा डिसाइडर होता है और ग्रह और नक्षत्र हमारा घटना का इवेंट क्रिएट करने का अधिकार रखता है। अब ये तो हो गया प्रथम पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका कि उस समय आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह बकरी हैं, उन बकरी ग्रहों को हमें देखना होगा। वो बकरी ग्रह या तो हमारे सब लॉर्ड में या हमारे नक्षत्र लॉर्ड में या हमारे नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर सब लॉर्ड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो उस जो बकरी ग्रह है उसके बारे में हमें सोचना होगा। तो बकरी ग्रह के बारे में सोचने के लिए क्या है कि यदि ग्रह बकरी है यानी बकरी वो खुद ही बकरी ग्रह है तो घटना के लिए, अगर बकरी ग्रह है तो घटना के लिए वो ये डिले कराएगा। अगर उसका नक्षत्र स्वामी बकरी है यानी हमारा सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड या उसका सब लॉर्ड बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो ये घटना के लिए विलंब कराएगा। कब तक कराएगा? जब तक उसकी दशा महादशा अंतरदशा यहाँ से निकल नहीं जाती। अगर ऐसी महादशा आती है, मान लीजिए शनि की दशा आती है और शनि रिट्रोग्रेड है तो 19 साल के लिए उस शादी पे प्रतिबंध लग जाएगा या उस संतान होने पे प्रतिबंध लग जाएगा या नौकरी न मिलने पे प्रतिबंध लग जाएगा। अर्थात इस 19 साल की अवधि में हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी और 19 साल बाद वो इवेंट घटेगा। इसीलिए कुछ जो पुत्र हैं पुतियां हैं इनकी शादियाँ का जो विलम्ब होता है, नौकरी न मिलने का जो विलम्ब होता है, संतान न होने का जो विलम्ब होता है, वो 5 साल भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। यानी ये देखना होगा कि महादशा स्वामी, अंतर्दशा स्वामी या प्रचंडदशा स्वामी की अपनी समयावधि अभी कितनी शेष है, उसी के अनुपात में उस घटना में विलम्ब होता है। इस इवेंट का, घटना का प्रोमिस चेक करने का तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वह है पुनर्व योग। पुनर्व योग के कृष्णमूर्ति पद्धति में केवल एक ही योग का आकलन किया गया है, एक ही योग बनता है, उसको कहते हैं पुनर्व योग। पुनर्व योग को पाराशर ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, जो चंद्रमा और शनि की युति के साथ बनता है। यानी चंद्रमा और शनि किसी भी प्रकार से दृष्टि में हो, युति में हो, राशि परिवर्तन करके बैठे हों अथवा नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हों तो वो विवाह में या नौकरी देने में या संतान देने में या किसी भी कार्य को करने में विलम्ब देते हैं। कब तक विलम्ब देंगे, कितना विलम्ब देंगे, ये उसके कुंडली के जो बकरी ग्रह हैं, जो पुनर्व योग है उस पर आधारित होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा और शनि दोनों मित्र, यहाँ एक बात है कि शनि कर्म कारक है, शनि कर्म कराता है, चंद्रमा मन का कारक है, मन कर्म करता है। और चंद्रमा और शनि दोनों जब मिलते हैं तो मन को कर्म करने के लिए पीछे हटना पड़ता है, यानी मन कर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, इसीलिए इस मैटर में देरी होती हैं। देरी कब तक होंगी, कितने अनुमान से होंगी, अब जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा शनि की राशि में है और शनि चंद्रमा की राशि में, दोनों का राशि परिवर्तन योग है तो ये बहुत मामूली सा योग होगा, ज़्यादा देर नहीं होगी, इवेंट घटने में ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। परंतु अगर नक्षत्र स्वामी के लेवल पर ये हैं तो विलम्ब कारक होगा, ज़्यादा देर होगी, घटना ज़्यादा डिले हो जाएगी। अगर यही योग दृष्टि में है, यानी चंद्रमा की दृष्टि नहीं लेना है शनि पर, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर लेना है हमको, तो शनि की दृष्टि यदि तीसरी सातवीं और दसवीं अगर चंद्रमा पर आती है तो यहाँ पुनर्व योग बनेगा। और ये पुनर्व योग क्या क्या करेगा, कब करेगा, ये उस कुंडली को देख करके ही पूरा बताया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे सब लॉर्ड शुक्र बनता है, विवाह की घटना लेते हैं, सब लॉर्ड शुक्र बनता है, उसका जो नक्षत्रपति है वो हमारा बुध बनता है और उसका सब लॉर्ड हमारा गुरु बनता है, ये तीनों के तीनों अगर हमें 2, 7, 11 देंगे तो विवाह होगा। अगर नहीं देंगे, उनके 12वें भाव 1, 6, 10 देंगे तो विवाह होने में दिक्कत आएगी, विलम्ब होगा। अगर पुनर्व योग में देखें तो अगर हमारा जो सब लॉर्ड है या उसका नक्षत्र लॉर्ड है या उसका सब लॉर्ड है, यही अगर पुनर्व योग यानी शनि और चंद्रमा की युति में आएंगे तभी हमारा विलम्ब होगा। ये विलम्ब अगर नौकरी के 2, 6, 10, 11 में होता है तो नौकरी में विलम्ब होगा, 2, 5, 11 में होता है तो संतान में विलम्ब होगा और 2, 7, 11 में होता है तो विवाह में विलम्ब होगा। अगर ये 3, 9, 12 में होता है तो विदेश जाने में विलम्ब होगा, देर होगी। इस प्रकार से हम इस घटना का आकलन करें, इस प्रकार से हम घटना को देखें, प्रोमिस चेक करें।
प्रॉमिस चेक करने में सबसे सरल सूत्र है, अभी तीन स्टेज आपके सामने आ गई हैं कि ये अभी आज का वीडियो सिर्फ प्रॉमिस घटना को चेक करने के लिए बनाया गया है, सिर्फ प्रॉमिस चेक करना है। आगे हम घटना इवेंट कब घटेगा, कैसे घटेगा, महादशा का क्या रोल होगा, अंतरदशा का क्या रोल होगा और गोचर का क्या रोल होगा, उसको हम अगले वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।